चलो आज भी जिंदा हूं मैं यार। भगवान क्यों? ओह शिट, इट्स 8। ऑफिस के लिए निकलना होगा। अब पंचर किसने किया? वाई डज नथिंग गो माई वे? अब ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? रिक्शा ही कर लेता हूँ। अर्णव, गुड मॉर्निंग मैम। ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? आर यू गेटिंग पेड फॉर दिस? बट मैम मेरा टायर पंचर हो गया हाँ था। हाँ रोज कोई ना कोई बहाना तो होता ही है। बट मैम सच में मैं अर्णव, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। मेरे पास ये बकवास के लिए टाइम नहीं है। सॉरी मैम। एंड वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स टुडे। ऑफिस आता है क्यों? है मैम की डांट खाने? अबे तू उससे बात मत कर वरना तेरे को भी डांट पड़ेगी। सुबह सुबह इस बंदे से जितना दूर रहे वही अच्छा है। ब्रो, तेरे प्यार ने तुझे ऊपर बुलाया, जल्दी जा। कम फॉर यू? हाँ क्या पागल है यार तू। जो भी कर लो ये बकरा हमेशा कटने ही वाला है। स्टॉप, जस्ट स्टॉप। क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? ए साढ़े ज्यादा बोल रहा है क्या? व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस? व्हाट हैव आई डन? व्हाट हैव आई डन? तुझे मेरी बंदी कैसे पसंद आ गई साले? माचिस की तीली पग यहां से। क्या
हेलो, इसने बंद किया? खोलो। यस सर। हाँ बस कर रहा हूँ मैं सर, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। हेलो, क्यों जी रहा हूँ मैं? एक तो ऑफिस में सबकी डांट सुनो और फिर घर आके भी अकेला बन, जी क्यों रहा हूँ मैं?
या श्योर या बाय. Come in. Oh, Arnav. Hi. Good morning. आज ज्यादा काम नहीं है. आई थिंक यू कैन गो होम एंड एंजॉय योर वीकेंड. बट मैम, यू ओनली टोल्ड मी आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. मी? नो, आई डिड नॉट. जाओ जाओ, एंजॉय करो. थैंक यू मैम. नो प्रॉब्लम. हैव अ गुड डे. ये देखो, अर्णव आ गया. हाय, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? कैसा है तू? गुड मॉर्निंग. चाय मंगा दूं? अरे नहीं नहीं, आज शाम को हैंग आउट साथ में. हाँ, देखते. ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. ये कोई सपना तो नहीं? ये आज ऑफिस में लोगों को क्या हो गया था? पहले तो मेरे साथ कभी इतना अच्छा बिहेव नहीं किया, आज अचानक कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा. हे, डू यू माइंड इफ आई जॉइन यू? या श्योर. थैंक यू. Actually, Arnav, I wanted to tell you something. Okay, shoot. I don't know how to say this, but I really love you. I know you don't feel the same for me, and it's totally fine. I get it. Not a problem. Wait, what? Are you kidding me? I mean, ये तो सबको पता था. I don't know what to say. I'm so sorry to make you feel uncomfortable. I should. No, wait. Even I like you. What? Really? Yeah. I've always had this huge crush on you, but I never thought you'd like me. I'm so happy, you know. चल ठीक है. We'll catch up later. I gotta go now, so thank you so much. I'm so happy today. Yeah, sure. ये तो सब वही हो रहा है जो मैंने डायरी में लिखा था. ऐसा कैसे हो सकता है? Thank you.
रखी थी मैंने डायरी, जा कहाँ सकती है? कोई मेरे घर पे भी नहीं आया और मैं भी उसको कहीं लेके नहीं गया। कहाँ चली गई ये डायरी? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, अब कौन आ गया? अरे तू? हाँ भाई मैं। क्यों, आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? अरे नहीं नहीं आजा आजा यार, पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, चल चिल करके आते। अरे भाई ठंड रख, पहले पानी पी ले, इतने प्यार की आदत नहीं है। पिला पिला। चले, देर हो रही है। अरे भाई आज नहीं, थोड़ा मुझे काम है, फिर कभी मिलते, थक गया हूँ। चल ठीक है, अगली बार पक्का। हाँ हाँ पक्का पक्का। जो आदमी आज तक मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता था, वो आज मुझे मिलने बुला रहा है। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ होगी वो डायरी? ओ हाँ, डायरी के आखिरी पन्ने को देख मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर कभी था ही नहीं। असल में ये डायरी थी जो मुझे स्पेशल बनाती थी। हम अक्सर लालच में आकर काफ़ी चीज़ें ऐसी मांग लेते हैं जो हमें कुछ पल की खुशी तो दे सकती है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। पर क्या आर्नव ने ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए? नहीं, आर्नव इस दुनिया में अपनी कहानी को स्वीकार, उसे निहारता है। अब वो खुश है कि वो अपनी कहानी का इकलौता और सच्चा कैरेक्टर है। हालांकि बिल्ली सेकंड लीड तो जरूर है। अगर आपको मेरी तरह कोई डायरी मिले तो क्या आप डायरी की बनाई दुनिया में रहना चाहेंगे या अपनी? ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। चलो अलविदा।